हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ हरे मटर का निमोना, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ठंड शुरू हो गई है, और ठंड में अगर आपने निमोना नहीं बना करके खाया तो फिर क्या ही खाया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। निमोना तो सभी के घरों में बनता होगा, पर आज मैं आप सबके साथ में अपनी रेसिपी, अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा ये तरीका और बहुत ही बढ़िया बनेगा आपका निमोना। आप इसे बाजरे की रोटी या फिर चावल के साथ में अगर खाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाते हैं, पर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता, एवरग्रीन फूड्स विद ममता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से मटर का, हरे मटर का निमोना। बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया, मुट्ठी भर जो है हरा धनिया मैंने यहाँ पर लिया है, और हरा लहसुन लिया है। इस सब्ज़ी में जो है, आप अगर हरा लहसुन का यूज करते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप नॉर्मल लहसुन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक छोटी प्याज मैंने यहाँ पर ली है, बहुत ज़्यादा प्याज हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च यहाँ पर डालेंगे। बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों ये खाने में। 100 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पर हरा मटर लिया है, ये फ्रेश मटर है, इसे मैंने छील लिया था और धो लिया था। देखिए, इस तरीके से आप कोई भी मटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, और उसे लंबे लंबे पीसेस में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। निमोना में अगर आप इस तरीके का आलू कट करके डालते हैं तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी आप अपने पसंद से कोई भी साइज़ यहाँ पर काट के डाल सकते हैं। चलिए, एक मिक्सी जार ले लेते हैं और इसमें अपने मटर के दाने जो हैं सारे डाल देते हैं, और इसे एक दरदरा पीस लेते हैं। इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसना है, जिससे सब्जी जो है हमारी काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आप एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे, पतला पेस्ट बना लेंगे, तो ये सब्जी जो है हमारी अच्छी नहीं दिखेगी। देखिए, इस तरीके का मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। उसी मिक्सी जार में हम यहाँ पर अपना जो हमने मसाला रखा था पीसने के लिए, उसे हम डाल देंगे। मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज, और थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इन सब को डाल करके इसका एकदम जो है एक मसाला हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है पीस के। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है, एकदम बारीकी से पीस लेना है। अब सरसों का तेल लेंगे, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, और एक बड़ी ली है। बड़ी जो हमारी जो है, ये रेडीमेड भी मिल जाती है, बाज़ार में भी मिल जाती है, घरों में भी बनाई जाती है। इसके बिना तो निमोना जो है वो अधूरा सा लगता है दोस्तों। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। तेल गरम हो गया है, और 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे सिर्फ भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो बड़ी जो है हमारी ये जल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से बस इसमें कलर आ गया है, 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से जो है भून जाते हैं। अब इसमें हम अपना जो है हरा मटर जो हमने पीस करके रखा था दरदरा पीस के, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोस्तों, अगर आप निमोना खाने के शौकीन हैं तो आप इसे लोहे के बर्तन में ही बनाइएगा, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है इसका टेस्ट खाने में दोस्तों। बिना बड़ी के और बिना लोहे के बर्तन में अगर आप बनाएंगे तो भी ये अच्छा ही बनेगा, लेकिन वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो टेस्ट आपको लोहे के बर्तन में इसे बनाने से मिलेगा। देखिए, यहाँ पर हमारे मटर जो है 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया था तेल में। ये थोड़ा सा दरदरा सा दिखने लगेगा, जब अलग अलग थोड़ा दिखने लगे, इसका पानी जो है वो पानी एकदम सूख जाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपके मटर जो है वो भुन गए हैं। अब इसमें हम अपना मसाला ऐड कर लेते हैं जो हमने पीस करके रखा था। अब उसी मिक्सी जार में जो है थोड़ा सा पानी डाल करके जो बाकी का मसाला लगा हुआ है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं, और इन सबको भी 3 से 4 मिनट के लिए हम यहाँ पर भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेना है यहाँ पर। जितना अच्छे से आप मटर और मसालों को भूनेंगे, उतनी ही अच्छी सब्जी आपकी बन करके रेडी होएगी। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। बहुत ज़्यादा मसालों का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, बस इतना ही हमें डालना है, और इसे भी हमें भून लेना है। क्योंकि हमने इसमें सूखे मसाले डाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी डालेंगे और इसे साथ में मिक्स करके भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमें भून लेना है, मसालों को अच्छे से पका लेना है। देखिए, कितने अच्छे से यहाँ पर ये भून करके रेडी हो गए हैं मसाले भी हमारे, अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से। अब इसमें हम अपना जो है आलू हमने जो कट करके रखा था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
आलू डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है छोटी चम्मच से, और इसे भी अब हम मिक्स कर देंगे। मसालों के साथ में हमें आलू को भी भून लेना है, 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को भूनना है साथ में, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस तरीके से बनाने से निमोना जो है आपका काफ़ी अच्छा बनता है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन इसका स्वाद निकल के आता है। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हमें भून लेना है। जब ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा चिपकने लगे तो समझ लीजिए कि आपके मसाले जो हैं भून गए हैं। ये सारा प्रोसेस करने में करीब 8 से 10 मिनट तो हमें लग ही जाते हैं, और लेकिन ये काफ़ी अच्छे से भून भी जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। जितने अच्छे से आप इसे भून लेंगे, पका लेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी, और ये बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों। आप इसे चावल के साथ में खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ में भी खा सकते हैं। ठंड में तो इसे बहुत ही सभी के घरों में ये बनता है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में। देखिए यहाँ पर हम ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर आप पानी डाल देंगे। 2 गिलास के लगभग मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। ग्रेवी हम अपने हिसाब से रखेंगे, थोड़ा सा अभी हमें इसे पतला ही रखना है क्योंकि हमारे आलू अभी कच्चे हैं। आलू पकते पकते जो है हमारी ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए इस तरीके का यहाँ पर हमें पानी यहाँ पर डाल देना है, और करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसे हमें छोड़ देना है, या फिर आलू पकने तक इसे हमें ढक करके छोड़ देना है। इसे बीच बीच में बार बार चलाना नहीं है, और आलू बस हमारे पक जाए बस इतनी देर तक हमें इसे ढक करके रखना है। स्लो से मीडियम आँच हमें यहाँ पर रखनी है। देखिए हमारे जो सब्जी है वो पक करके रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे जो तेल हैं वो ऊपर आ गए हैं, यानी कि ये आप बता रही हैं कि आपकी सब्जी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन करके रेडी हुई है। इस तरीके से तेल अगर आपका ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो सब्जी है हरे मटर का निमोना है वो बहुत ही बढ़िया पकी हुई है। यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी जो है बन करके रेडी हो गई है। अब आलू भी चेक कर लेते हैं, आलू भी हमारे पकी गए हैं। ये देखिए इस तरीके से निकाल करके इसे काट के चेक कर लेंगे। आलू देखिए यहाँ पर पक गए हैं, और सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट बन करके रेडी है। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। ये यूपी बिहार की खास रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, और ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही जो है अच्छी लगती है खाने में, बनाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए इस तरीके से हमारी सब्जी जो है वो बन करके रेडी हुई है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा बना सकते हैं, इसे थिक भी बना सकते हैं और पतला भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट बन करके रेडी हुआ है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।